साथियों, आपको मैं आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कराधान पद्धतियों और करारोपण पद्धतियों को और कर वसूली की पद्धतियों के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि 1765 में जब तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों के हवाले कर दी, तो उस समय कंपनी के पास ना तो योग्यता थी और ना ही अधोसंरचना थी और ना ही कंपनी थी जिससे वो टैक्स लोगों से वसूल कर सकती, क्योंकि ये एरिया बहुत व्यापक था। एक तरफ तो कंपनी ने भारत के ही राजाओं को यहाँ पे राजा बना दिया और जिस तरह से लैंड सिस्टम वसूल होता था, लैंड भू राजस्व वसूल होता था, उसी पद्धति से भू राजस्व वसूल होता रहा। और इसमें दो प्रकार के सिस्टम काम करने लगे, एक तो भारतीय राजा और कर्मचारी जो कि भूमि कर को वसूलते थे, और दूसरा अंग्रेज जिनको जमींदार लोग भूमि कर वसूल करके देते थे। जो अंग्रेजों द्वारा भूमि कर फिक्स किया गया था वो ज़्यादातर अस्थाई प्रकार का था, लेकिन जो भारतीय लोग वसूलते थे वो अपने ही लोगों के दुश्मन बन गए और उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वारेन हेस्टिंग्स के समय में और क्लाइव के समय में वसूला, और ये पहले 5 साल और 1 वर्ष के आधार पर वसूला जाता था। अगर देखा जाए तो 64-65 जो कि मुगल काल का अंतिम दीवानी वर्ष बंगाल के लिए था, उसमें मात्र 8 लाख पाउंड स्टर्लिंग रुपया दीवानी के रूप में बंगाल से वसूला गया था। लेकिन अगले ही साल जब कंपनी को दीवानी मिली तो कंपनी ने 14,70,000 पाउंड बंगाल की दीवानी से कर के रूप में वसूला, जो कि नवाबों की कर संग्रह से लगभग 80% अधिक था, और 1990-91 आते आते लगभग ये 28 लाख पाउंड हो गया था, जो कि पहले साल का 1965-66 का लगभग 2 गुना था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक तरफ इस लालच के कारण एक तरफ तो भारतीय राजा या भारतीय कारकुन जो वसूल रहे थे वो अपनी धनराशि को बढ़ाना चाहते थे, और दूसरी तरफ कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस की वसूली करनी थी, क्योंकि कंपनी व्यापारिक कंपनी थी इसलिए इसके पास आयात और निर्यात या अन्य आय कर के साधन, अन्य कर के साधन, रेवेन्यू के साधन नहीं थे, इसलिए यह पूरी तरह से लैंड रेवेन्यू सिस्टम पर ही आधारित थी, और इस कारण से इस पर सबसे ज़्यादा भार इसी पर डाला गया ताकि उनको अधिक से अधिक धन मिले, अधिक से अधिक वो धन अपने लिए ले जाएं और अधिक से अधिक कंपनी के लिए ले जाएं, ताकि वो अधिक से अधिक क्षेत्रों को भी विजित करें, और अधिक से अधिक क्षेत्रों को जीतने के लिए जो सेना होती है उसका भी खर्च उसी से उठाया जाए, और सेना के लिए जो हथियार प्रयोग किए जाते हैं उसका भी प्रयोग उस धन से किया जाए। तो इस प्रकार से कंपनी के लोग न केवल लालच के कारण बल्कि अधिक से अधिक धन सेना पर क्रय के कारण सेना को हायर करने के लिए, सेना के हथियारों को लेने के लिए भी खर्च करते थे। 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना और उसने 1793 में परमानेंट सेटलमेंट यानी 10 साल की अस्थायी व्यवस्था सुदृढ़ कर दी, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसमें 1794 में एक नियम आया जिसका नाम था सूर्यास्त का नियम, और सूर्यास्त के नियम का ये अर्थ है कि अगर कोई भी जमींदार जिसको भूमि कर सरकार को देना है या कलेक्टर को देना है, अगर कलेक्टर की ट्रेजरी में एक निश्चित तिथि को शाम सूरज के डूबने के पहले अगर उतनी धनराशि नहीं जमा हो गई तो उसकी जमींदारी उसी समय नीलाम कर दी जाती थी। इसलिए जमींदार लोग बहुत सारी ज़मीनों को खो बैठे, और इसके कारण इसका प्रभाव ये भी हुआ कि जमींदारों ने मनी लेंडर से या तमाम साहूकारों से लोन लिए, और लोन लेकर के उन्होंने अपनी ज़मींदारी को बचाया, क्योंकि ज़मींदार ही ज़मीन का मालिक था।
और जमींदार ने किसानों को सताया और किसान लोग साहूकारों के पास गए और साहूकारों से उन्होंने ढेर सारा लोन लिया और इस प्रकार से लोन लेकर के उन्होंने जमींदार को लोन चुकाया और जमींदार ने अपना जो लैंड टैक्स था उसको निश्चित समय पर, क्योंकि सूर्यास्त का नियम लागू था जो कि आज तक के कठोरतम नियमों में से एक था, उस नियम के अनुसार उनको उन्होंने भूमि कर को दिया। ये व्यवस्था पंजाब, ये व्यवस्था उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उत्तरी कर्नाटक के कुर्ग राज्य में लागू की गई थी, जो उस समय कंपनी के द्वारा धारित कुल भूमि का लगभग 19% थी। और अब हम दूसरी बात, इसमें ये भी था कि जितना भी जमींदार इकट्ठा करेगा लैंड टैक्स उसका 10/11 भाग वो कंपनी को देगा और 1/11 भाग अपने पास रख लेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि कंपनी को दिया जाने वाला धन तो फिक्स था, लेकिन जो जमींदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा धन जनता से वसूलने में लगे हुए थे और इस प्रकार के शोषण से लगातार जो भारतीय किसान थे वो गरीब हो रहे थे और ऋणग्रस्तता के विशेष सर्किल में, उसमें दुष्चक्र में फंसते जा रहे थे, जो अंत में चल करके कंपनी के लिए बहुत घातक हुआ, क्योंकि बहुत सारे जमींदारों ने भी समय पर पैसा न अदा करने के कारण अपनी जमींदारी से वो हाथ धो बैठे। और इसके बाद अगर हम दूसरी व्यवस्था का जिक्र करें जो कि लगभग 1801 में बेलेजली ने लागू की, वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जो जिले वास्तव में कड़ा और इलाहाबाद, 1765 की इलाहाबाद की संधि में कंपनी को इसकी दीवानी दे दी गई थी। कंपनी ने सबसे पहले यहाँ पर सिस्टम को लागू किया जिसको महालवाड़ी सिस्टम कहा जाता है। यह सिस्टम जो लागू किया गया था इसमें महाल यानी गांव को ही एक इकाई माना गया था और गांव का प्रधान या गांव के सभी लोग उसको मिल करके इसको उनको देना था, या तो गांव के प्रधान को देना था या तो सभी लोग मिल करके देने थे, यानी कि या तो जॉइंटली और सेवरली दोनों उससे जिम्मेदार थे और जो लैंड को नहीं बो पाते थे, नहीं जोत पाते थे या नहीं टैक्स दे पाते थे वो ज़मीन को छोड़ देते थे और वो ज़मीन सरकार के पास चली जाती थी। इस प्रकार से इस सिस्टम में भी जो ये सिस्टम लागू हुआ, इसको सबसे पहले होल्ट मैकेंजी ने इसको 1819 में उन्होंने इसका सर्वे किया था और होल्ट मैकेंजी के समय में लागू हुआ और होल्ट मैकेंजी जो था उसने इसको लगभग 30% बताया था, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते 95% तक हो गया था। इसलिए 1833 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें मार्टिन एंड बर्ड ने इसको फिर से कहा कि इसमें क्योंकि शोषण बहुत हो रहा है और किसानों की हालत बहुत ख़राब है, ऐसी दशा में 1833 एक्ट के बाद मार्टिन एंड बर्ड ने इसका फिर से पैमाइश की और उसके आधार पर इसको 66% तक ला करके फिक्स किया गया। लेकिन ये 66%, अब इसमें एक चीज़ यहाँ हमें जान लेना ज़रूरी है कि भारतीय जो व्यवस्था थी वो इस पर आधारित थी कि चाहे वो आर्यों की व्यवस्था हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की व्यवस्था हो, चाहे समुद्रगुप्त की व्यवस्था हो, चाहे प्रतिहारों की व्यवस्था हो और चाहे मुगल काल की व्यवस्था हो और चाहे हर्षवर्धन की व्यवस्था हो, इन सभी में भूमि कर जो था, और अगर हम देखें तो ये मुगल काल तक, अकबर के काल तक भी और अलाउद्दीन खिलजी के काल तक, इन सभी समय में जो लैंड वसूल होता था उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। पहले तो ज़मीन की पैमाइश कराई जाती थी और ज़मीन के कई प्रकार, गुप्तों के काल में भी हम देख सकते हैं कि कई प्रकार की ज़मीनें होती थी और मौर्य काल में भी देख सकते हैं कई प्रकार की ज़मीनें होती थी। कुछ ज़मीनें बंजर होती थी जो उत्पादकता के आधार पर उनका वितरण होता था और उसके आधार पर टैक्स लगाए जाते थे। लेकिन इस व्यवस्था में ये ध्यान रखा जाता था कि उसकी उत्पादकता क्या है, भूमि उत्पादन के जो विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी क्या स्थिति है, वहाँ पे कितनी पूंजी लगी है किसान की, कितना उसमें खेत बोने और जोतने में लगा हुआ है, कितने पानी पर उसका खर्च हुआ है, सिंचाई की क्या व्यवस्था है, क्या बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है, मानसून की क्या स्थिति है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। लेकिन अंग्रेज़ लोगों ने चूँकि इनके पास
कोई सिस्टम नहीं था, इनके पास ये था एक व्यापारिक कंपनी थी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा धन बनाना था, और धन बनाने के दो कारण थे, एक तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को हायर करना था और सैनिकों को तनख्वाह देनी थी, सैनिकों की खाद्य रसद का प्रबंध करना था, उनके हथियारों का प्रबंध करना था, उनके रहने का प्रबंध करना था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विवाद को भारत को वो जीत सके, और इस चीज़ के लिए उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए। एक तरफ तो उन्होंने अपने को रिच बनाने के लिए बनाया, और दूसरी तरफ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों को जीतने के लिए, सेना के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाने की कोशिश की, और इस प्रकार से भारतीय किसान पूरी तरह से दमन और शोषण का शिकार हो रहा था। और इसको इसके लिए जैसा कि हमने आपको बताया कि 91 तक 64-65 की जो मालगुजारी थी उसका लगभग दो गुना मालगुजारी हो गई थी, और इसमें सूर्यास्त का नियम भी लागू हुआ, और इस नियमों के कारण बहुत से जमींदारों को अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा और बहुत से किसानों को ऋणग्रस्तता से गुजरना पड़ा, क्योंकि जमींदार अपनी जमींदारी बचाने के लिए जनता से समय पर कर्जा लेते थे, समय पर उनसे टैक्स लेते थे, और वो टैक्स उनके पास इसलिए नहीं होता था क्योंकि ज़मीन में पैदावार नहीं हुई है या सिंचाई नहीं हुई है या सूखा पड़ा हुआ है, इन सब के कारण किसानों की स्थिति बहुत ही खराब थी, और वो सेठ साहूकारों से जा करके लोन लेते थे और उनके वो दास बन जाते थे। इस प्रकार से स्लेवरी सिस्टम भी पैदा हुआ, और इस कारण से हमारे ज़मींदार और किसान दोनों ही अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध होते चले गए थे। हालांकि शुरुआत में इसका कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब दुर्भिक्ष आया और सूखा पड़ा तो उस समय किसानों की दयनीय स्थिति हुई, और यही कारण था कि आगे चलकर के 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। अब हम आते हैं कि जो दूसरा सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम था। रैयतवाड़ी सिस्टम में भी कहा गया था कि 66% आपको उपज का देना पड़ेगा, यानी कि कास्ट के बाद जो भी उपज होती है उसको वो रेंट कहते थे, और भाटक का सरकार ये कहती थी, रिकार्डो ये कहता था कि जो भी पैदावार हुई है वो आपकी ज़मीन के इनडिस्ट्रक्टेबल यानी कि उसकी ना ख़त्म होने वाली उर्वरा शक्ति के कारण पैदा हुई है, इसलिए राज्य को उस उर्वरा शक्ति के कारण आपको जो पैदावार हुई है वो देना है। यानी अंग्रेज़ लोग ये सोचते थे कि हम इसका वो पूरा का पूरा हिस्सा लगभग उसमें जो भी भाटक के रूप में है वो ले लें। भाटक के बाद भारतीय किसान के पास बचता क्या था, जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की वही बचती थी, तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन तो उसी में रख जाती थी और बाकी सारा हिस्सा उपज के रूप में वो ले लेते थे। ये देखें तो इसके बाद जो तीसरा सिस्टम प्रैक्टिस में आया उसका नाम था रैयतवाड़ी, और रैयतवाड़ी में पहले ये मद्रास में ये सिस्टम मुनरो द्वारा लगाया गया था, और इस सिस्टम में भी पैमाइश वगैरह की गई, और इसको इस आधार पर ये ज़्यादा मानवीय सिस्टम था क्योंकि इसमें लोकल लोगों का ही कहा गया कि उनको कर वसूलने का शक्ति दे दी गई, और रैयत यानी प्रजा जो थी, किसान जो था वो खुद ही भूमि का मालिक बन गया, और इस प्रकार से जो स्थानीय नीतियाँ थी उनके आधार पे उनको भूमि कर देना था। इसमें उन चीज़ों का भी ख्याल रखा गया शुरुआत में कि भूमि की उत्पादकता अधिक से अधिक कितनी हो सकती है और कितनी उसको उस आधार पर भूमि कर जो है तय किया गया था। और रैयतवाड़ी सिस्टम ऐसा था कि ये बम्बई और मद्रास और संपूर्ण दक्षिण में लागू हुआ था, और इस प्रकार से ये लगभग भारत के 51% भाग पर लागू किया गया था। लेकिन इस सिस्टम में भी ये स्थिति बनी हुई थी कि रैयतवाड़ी सिस्टम में ये कहा गया कि 1/3% जो है जो रेंट है उसका भाग दिया जाएगा, यानी कि कास्ट से जो ऊपर हिस्सा बचता है उसका 1/3% दिया जाएगा, लेकिन अंततोगत्वा यह 50% फिक्स किया गया था। लेकिन 50% तो कागज पर फिक्स था, लेकिन इसकी जो धनराशि वो 50% की जगह 70-80% तक वसूली हो जा रही थी। इस प्रकार हम देखें क्योंकि आर्य लोगों ने या भारतीय राजाओं ने जो सिस्टम अपनाया था उस पर ये भूमि की विभिन्न प्रकार की जो उनकी क्वालिटीज़ थी उसको ध्यान दिया गया था, और इसमें तमाम तरह की
जो और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे खाद हो, चाहे बुआई हो, इन सभी चीज़ों पर, और वर्षा का भी ध्यान दिया गया था, लोकल इश्यूज का भी ध्यान दिया गया था। लेकिन जो अंग्रेज लोग थे, इन्होंने जो पद्धतियाँ अपनाई, चाहे वो रैयत वाड़ी व्यवस्था चूँकि पूरे मद्रास और बम्बई में लगभग 51% भाग पर लागू थी, और महारवाड़ी व्यवस्था पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लागू थी, जो कि जो कंपनी के पास जितना अधिक क्षेत्र था उसके 51% भाग पर लागू थी। और आप जैसा कि जानते हैं, अस्थाई व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट या इस्तेमाली बंदोबस्त, वो लगभग 19% क्षेत्र पर ही लागू था, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों पर था। तो इस प्रकार जो मुख्य रूप से अंतर हमें दिखाई देता है वो ये है कि कंपनी के जो भी सिस्टम, रेवेन्यू सिस्टम थे, वो इस पर आधारित थे कि वो डेविड रिकार्डो की जो अवधारणा थी कि जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके ओवर एंड अबव जो भी उत्पादन हो रहा है उसको हम भाटक कहेंगे, और भाटक जो है वो उसकी पृथ्वी की इंडिस्ट्रक्टिबल अविनाशी शक्तियों के कारण पैदा हो रहा है। और चूंकि ज़मीन जो है वो राजा की है, इसलिए राजा जो कास्ट ओवर कास्ट से ऊपर जो भी कुछ पैदा हो रहा है वो सब रेंट है, और रेंट हम पूरा ले सकते हैं। तो अधिकतर जितनी भी प्रणालियाँ थी सभी में, किसी में 60%, किसी में 80% और 90% तक जो रेंट था वो वसूला गया, और इस प्रकार से किसान को 10% भी उपज का लाभ नहीं मिल पाया, केवल वो उसको उतना ही हिस्सा मिलता था जितना उसकी लागत लगती थी। इस प्रकार से किसान लगातार ऋणी होता गया, और सेठ साहूकारों का ऋणी होता गया, इस प्रकार से गुलाम बनता गया। और यही नहीं, इन सभी सिस्टम्स में ये भी था कि कंपनी अपने ऐसे दौर में थी जब उसको पूरे भारत को जीतना था, और पूरे भारत को जीतने के लिए उसको सेना की आवश्यकता थी, सैन्य बल की आवश्यकता थी, और सैन्य बल को तनख्वाह देने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, उसको हथियार की आवश्यकता थी, हथियार खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। इसके अलावा कंपनी के लोग जो थे वो धनी होना चाहते थे, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूल करना चाहते थे। इसके अलावा जो इंटरमीडियरी थे उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा धन वसूलना था, वो चाहे भारत के जमींदार ही रहे हों या जो भी बिचौलिए थे, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोन वसूलना था और ज़्यादा से ज़्यादा भूमिकर वसूलना था। इस प्रकार से इस सिद्धांत पर आधारित होने के कारण पूरी पूरा जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जो कि अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था, वो भारतीय समाज को एक चूषक पंप की तरह उनके खून पी रहा था, और भारतीय भी जो ज़मींदार थे वो भारतीय किसानों का खून पी रहे थे, और भारतीय किसान भी जो है वो कंपनी का शिकार हो रहे थे, उनकी जो ज़मींदारी थी वो भी छिन रही थी सूर्यास्त सिस्टम के कारण। इन सभी कारणों के कारण लगातार जनता में सरकार के प्रति विद्रोह बढ़ता जा रहा था। कभी सूखा पड़ रहा था लेकिन सरकार को टैक्स चुकाना था, चाहे वो ज़मींदार हो और चाहे प्रजा हो। इन सभी कारणों से जनता जो औपनिवेशिक सिस्टम है और कंपनी के औपनिवेशिक सिस्टम से पूरी तरह से परेशान थी, और यही कारण है कि बाद में हम देखते हैं कि 1857 तक आते आते भारतीय राजा और भारतीय प्रजा और ढेर सारे लोग मिल करके उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंक दिया, और 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ, जिसका कारण मुख्य रूप से यह रेवेन्यू सिस्टम था। और यद्यपि वो भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो सका, फिर भी हम ये पाते हैं कि यह एक एक ऐसा प्रयास था जो भारतीय नेताओं ने किया था, और यही संग्राम आगे चलता रहा, और आगे अगली 100 साल बाद भारत आज़ाद हुआ। धन्यवाद।